नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर अमृतसर हाईवे पर दो कारों में हुई भीषण टक्कर, चार युवक हुए गंभीर घायल। अमृतसर की संधू कॉलोनी निवासियों ने नगर निगम के खिलाफ किया रोष प्रदर्शन। चार महीनों से सीवरेज की समस्या से है परेशान। जालंधर के प्राचीन काली माता मंदिर मोता सिंह मार्केट कमेटी और पंजाब ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से राशन सामग्री के ट्रक किए रवाना। दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज व ज्वाइंट कमिश्नर राजेश खोखर ने हरी झंडी देकर किया रवाना। और अब हलचल विस्तार से। जालंधर अमृतसर हाईवे पर देर रात एक गंभीर सड़क हादसा हो गया, जिसमें दो कारों के बीच टकराव के बाद i20 कार पलट गई और ऑल्टो कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। तो वहीं इस हादसे में चार युवक घायल हो गए, जिन्हें तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार रात के समय अमृतसर से जालंधर की ओर आ रही i20 कार ने ओवरटेक के दौरान ऑल्टो कार को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद i20 कार की गति इतनी अधिक थी कि वह पलट गई, जबकि ऑल्टो कार भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी और दुर्घटना के कारण को पता लगाने का प्रयास कर रही है। स्थानीय थाना 8 की पुलिस ने घटना की विस्तृत जानकारी के लिए बयान दर्ज किए हैं और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। अमृतसर की संधू कॉलोनी वार्ड नंबर 22 नजदीक गुरुकुल स्कूल के इलाका निवासी गंदे पानी की समस्या से पिछले चार महीनों से काफी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि इलाके में गंदा पानी ना तो पीने के काबिल है और ना ही इसको कोई काम में लाया जा सकता है। इससे बच्चे बुजुर्ग बीमार हो गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि वे नगर निगम से कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। इस अवसर पर इलाका निवासियों ने प्रदर्शन भी किया। उन्होंने बताया कि अगर इनकी समस्या का हल ना हुआ तो वे नगर निगम कार्यालय के बाहर धरना देगी। इस मौके पर पवन कुमार, शकुंतला, रमन कुमार, मुकेश शर्मा, रंजीत कौर, खजान सिंह, विनी चौहान, सुनीता देवी, धुनीचंद ठाकुर, सोनिया, अनीता उपस्थित रही। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। चार महीने हो गए जी, पानी सही आ रहा, पानी की समस्या हैगी है। असी कारपोरेशन वाले नु कह कह के थक गए, लाडो नु कह के थक गए। साडे 22 नंबर वार्ड हैगी है, कोई पानी की सुनाई नहीं हैगी है। बच्चे साडे बीमार पए, असी रोज हॉस्पिटल च लै के जा रहे हैं जी। बच्चों नु इन कोटियां लगी हुई है कि बच्चे असी ये नहीं कर सकते हैं, अस्पताल तक दाखिल तक कराने की नौबत आ गई है। चार महीने हो गए जी, ना सानू पीने नु पानी हैगा, ना सानू कपड़े धोने नु पानी हैगा, ना सानू नहाने नु पानी। असी कित्थे जाइए जी? आंदा पिया तो इन्ना स्मेल मारता पिया, असि की करिए जी? सानू ए समस्या दसो। असि हर साल यही करते हैं कि साडा पानी गंदा आ रहा, साडी कोई सुनवाई नहीं हैगी है जी। जावे जे साडा हल नहीं किया गया जी, ते असि कारपोरेशन दे के सारे मोहल्ला जाके धरना देवांगे। सारा इलाका जेड़ा हैगा जिन्ना भी पानी गंदा आ रहा, सारा इलाका धरना देवांगे उन्हां दे अगे जाके। असि जो 400 बंदा खड़ा करके असि उत्थे धरना देवांगे, पानी दा हल नहीं किया। असा 3-4 महीने हो गए साडा पानी इन्ना गंदा आ रहा और इन्नी बदबू आ रही सीवर दी, ना कोई पीण वाला ना खाण वाला कुछ भी नहीं। सानू मतलब समस्या हल हो रही, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਲਾਡੋ ਭਲਵਾਨ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ, ਕੌਂਸਲਰ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ 22 ਨੰਬਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਕੌਂਸਲ MLA ਉਹਨਾਂ ਦੇ PA ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਵੇਖਣਾ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸੰਧੂ ਕਲੋਨੀਆ ਏਰੀਆ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 500-700 ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਟਾਰ ਰੋਡ ਤੇ ਪਟਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਟਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਦਲ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਟਾਈ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਬੈਂਕ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਆ ਮੇਨ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਪਰ ਬਣਾਏ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਫੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ
ਅਜਾ ਮੁੱਲ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਪੀ ਰਹੇ ਆ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਪੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕੇ ਮੁੱਲ ਲਈਏ ਕਿੰਨਾ ਕੇ ਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈਗਾ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ 5-7 ਬਾਲਟੀਆਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 8-8 10-10 ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸਲੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਜਵਾਲੰਦਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਾਤਾ ਕਾਲੀ ਮੰਦਿਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਵਰਸ਼ ਵੀ ਮਾਂ ਚਮੁੰਡਾ ਧਾਮੀ 4 ਅਗਸਤ ਸੇ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 15ਵੇਂ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਦੇਸੀ ਘੀ ਕੇ ਲੰਗਰ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਆਯੋਜਨ ਕੇ ਅੰਤਰਗਤ 12 ਅਗਸਤ ਕੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਾਗਰਣ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਮੇਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਜਨ ਗਾਇਕਾ ਸੋਨਮ ਚੌਧਰੀ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਕਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਵਹੀਂ ਗਤ ਦਿਵਸ 4 ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੱਗਰੀ ਭਰੇ ਟਰੱਕੋਂ ਕੋ ਰਵਾਨਾ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਸ਼ੀਤਲ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੋਕਰ, ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ ਔਰ ਅਨਯ ਗਣਮਾਨਯ ਲੋਕੋਂ ਨੇ ਟਰੱਕੋਂ ਕੋ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕਰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਆ। ਤੋ ਵਹੀਂ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ ਪਰ ਵਿਧੀਵਤ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕੀ ਗਈ ਔਰ ਅਤਿਥਿਓਂ ਨੇ ਰੀਬਨ ਕਾਟ ਕਰ ਟਰੱਕੋਂ ਕੋ ਰਵਾਨਾ ਕੀਆ। ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਲੰਗਰ 4 ਅਗਸਤ ਸੇ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਮੇਂ 12 ਅਗਸਤ ਕੋ ਮਾਂ ਚਮੁੰਡਾ ਧਾਮ ਮੇਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਾਗਰਣ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਮੇਂ ਪੂਰਵ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ, ਪੂਰਵ ਸਾਂਸਦ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸਿੰਘ ਕੋ, ਪੂਰਵ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ, ਪੂਰਵ ਮੰਤਰੀ ਅਵਤਾਰ ਹੈਨਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ, ਪੂਰਵ ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਸਹਿਤ ਕਈ ਗਣਮਾਨਯ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਅਤਿਥੀ ਰੂਪ ਮੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਪਨ ਸਪਰਵਾਲ, ਚੇਤਨ ਹਾਂਡਾ, ਜਤਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ ਸਹਿਤ ਕਈ ਅਨਯ ਗਣਮਾਨਯ ਵਿਅਕਤੀਓਂ ਕੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਵੀ ਰਹੀ। ਤੋ ਵਹੀਂ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਮੇਂ ਕਮੇਟੀ ਕੇ ਸਦਸਿਓਂ ਔਰ ਸਥਾਨੀਏ ਲੋਕੋਂ ਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹਾ, ਜਿਨ੍ਹੋਂਨੇ ਇਸੇ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਮੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਵਨ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਪਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਮਾਰਕੀਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 15ਵਾਂ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਭੰਡਾਰਾ ਮਾਂ ਚਮੁੰਡਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਅਧਿਅਕਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੱਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਭਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਉੱਥੇ ਵਰਤਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁਮਾ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਔਰ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਸਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਉੱਥੇ ਹੁਮ ਹੁਮ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਔਰ ਧਰਮਾ ਜੀ ਔਰ ਪੂਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਬੱਸਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨੋਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਬਿਲਕੁ�ਲ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਓ। ਰਾਧਾ ਮੇਕ ਓਵਰ ਮਾਡਲ ਹਾਊਸ ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਤੀਜ ਕਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਥਾਨੀ ਹੋਟਲ ਮੇਂ ਬੜੀ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਸੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਧਾ ਮੇਕ ਓਵਰ ਕੀ ਮਾਲਿਕ ਰਾਧਾ ਡੋਗਰਾ ਨੇ ਇਸ ਰੰਗਾਰੰਗ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਆ, ਜਿਸ ਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ ਮਹਿਲਾਓਂ ਨੇ ਉਤਸਾਹ ਪੂਰਵਕ ਭਾਗ ਲਿਆ ਔਰ ਤੀਜ ਕੀ ਮਸਤੀ ਮੇਂ ਸਰਾਬੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੋ ਵਹੀਂ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤੋਂ ਕੇ ਧੁਨ ਪਰ ਹੋਈ, ਜਹਾਂ ਮਹਿਲਾਓਂ ਨੇ ਡੀਜੇ ਕੇ ਸੰਗੀਤ ਪਰ ਥਿਰਕਤੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਨ੍ਰਿਤਯ ਕੌਸ਼ਲ ਕਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਆ। ਵਹੀਂ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀਆਂ ਔਰ ਗੀਤੋਂ ਨੇ ਤੀਜ ਕੇ ਉਲਾਸ ਕੋ ਔਰ ਵੀ ਬੜਾ ਦਿਆ। ਹਰ ਔਰ ਹਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਾ ਮਾਹੌਲ ਥਾ ਔਰ ਮਹਿਲਾਓਂ ਕੀ ਖਿਲ ਖਿਲਾਤੀ ਮੁਸਕਾਨੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬੜਾ ਰਹੀ ਥੀ। ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਤੰਬੂਲਾ ਔਰ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਚੇਅਰ ਜੈਸੇ ਮਨੋਰੰਜਕ ਖੇਲ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਏ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਮੇਂ ਪੂਰਵ ਸਾਂਸਦ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਕੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਰਿੰਕੂ ਔਰ ਪੂਰਵ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਵਾਲ ਕੀ ਪਤਨੀ ਮੀਤੂ ਅੰਗੁਰਵਾਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਸੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਵਹੀ ਮਹਿਲਾਓਂ ਨੇ ਵਿਭਿੰਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਔਰ ਖੇਲੋਂ ਵੀ ਭਾਗ ਲੇਕਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਔਰ ਕੌਸ਼ਲ ਕਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਆ। ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਮੇਂ ਬੜੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਬੱਚੋਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਮੇਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਕਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਆ। ਤੀਜ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕੇ ਅੰਤ ਮੇਂ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾਓਂ ਮੇਂ ਵਿਜੇਤਾ ਰਹੀ ਮਹਿਲਾਓਂ ਕੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਹਾਰ ਦੇਕਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਨਕੇ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀ ਗਈ। ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਤੀਜ ਕੇ ਉਤਸਵ ਕੋ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾ ਦਿਆ।
जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनी शर्मा की रिपोर्ट। हाँ जी, असं 5 साल तो तीज का फेस्टिवल मना रहे हैं। जोड़ा मेला भैया है 5 साल तो असं ऑर्गनाइज करते हैं। ये साड़ा पहला साल है। इस बारी गैदरिंग भी साड़ी वधिया सी। बच्चों ने भी टैलेंट बहुत दिखाया और बच्चों का जोड़ा अपना हुनर से वो भी बहुत अच्छा उन्होंने पेश किया और बहुत वधिया रहा इस बार। मैम अपना जिहड़े तुहाडे जिहड़े यंग बच्चे आ इन्हां नूं की संदेश देना चाहोगे जो अज ट्रॉफियां लैके गए आ इत्थे? मैं इन्हां नूं ये संदेश देना चाहूँगी कि बच्चों नूं अपने पंजाबी कल्चर नूं नहीं भुलना चाहिए। तीज एक पंजाबी कल्चर है साडा, तो सारिया भैनों वास्ते बनिया। अजक वैसे भी किसी को इन्ना टाइम नहीं है कि भैन रल के बैठन। डी जे हो गया, किटीज हो गई, इन्होंने साढ़े को जाने का टाइम नहीं होता। पर एक तीज का फंक्शन मनाना साढ़े को औखा लगता है। इस करके आप अपने कामों भी छड़ के एक तीज फैसटिवल मना का सोचा कि अज सारे इकट्ठा किया कि असी तीज मनाइए। मैम एक होर एक छोटा जहा सवाल, साढ़े दर्शकों को की मैसेज देना चाहोगे? दर्शकों मैं यही मैसेज देना चाहनी हूँ कि पहले तो सारे हैप्पी तीज मेरे वालों के मैं कहना चाहवागी अपने कीमती टाइम एक तीज का त्यौहार होंगे और जोड़ा लेडीज को ही मिले और लेडीज भावी भाबियों भैनों मावं चाचियां ताइयों रल मिल के मनाना चाहिए तो रल मिल के रहना चाहिए। मैं नामे अग्रवाल, तो मेरा अपना सलून है, बहुत वधिया लगा मैं इतने आ गया। मैम तीज के प्रोग्राम से तुम आए हो, तुम कि लग्या जी? बहुत वधिया लगा मेरे लिए। फैसटिवल तो ओकेजनली बहुत अच्छा रहा व्यू। मैं देखा पंजाबी मुटियारा बहुत सोहनी लगदी पी अज के दिन। मैम किन्ने साल हो गए इस प्रोग्राम को मनाद हो संस्था? मैनू 4 to 5 साल हो गए इन्हों जुड़े हुए। बहुत वधिया, हर वक्त जो भी पाते हैं हर बार कुछ नवा मिलता इन्हों। मैम ये बच्चे हैं जोड़े अज के जनरेशन है, उन्होंने की संदेश देना चाहोगे? तो ਸਾਡੀ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗਰੋ ਕਰਨ, ਵਧੀਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣ। ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿਓ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਈਵੈਂਟ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ। ਜਲੰਧਰ ਕੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨੀ ਹੋਟਲ ਮੇ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਲੂਥਰਾ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਤੀਜ ਕਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬੜੀ ਹੀ ਹਰਸ਼ੋਲਾਸ ਕੇ ਸਾਥ मनाया गया। कशिश लूथरा जो कि ओरिफ्लिम का व्यवसाय चलाती हैं, ने इस रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया था जिसमें शहर की महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और तीज की मस्ती में डूब गई। तो वहीं कार्यक्रम की शुरुआत पंजाबी गीतों की धुन पर हुई। वहीं महिलाओं ने डीजे के संगीत पर थिरकते हुए अपने नृत्य कौशल का अद्भुत प्रदर्शन किया। पारंपरिक पंजाबी बोलियों और गीतों ने तीज की खुशियों को और भी बढ़ा दिया। हर और हंसी खुशी का माहौल था और महिलाओं की चमकती हुई मुस्कान ने इस खास मौके की शोभा बढ़ा रही थी। इसके अलावा तंबोला और म्यूजिकल चेयर जैसे मनोरंजक खेल भी आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में मालाबार गोल्ड डायमंड और टपरवेयर की डायरेक्टर गगनदीप कौर, मोदी केयर की डायरेक्टर डॉक्टर शैली, टैरो कार्ड रीडर अनु शर्मा, कीर्ति मेकओवर और खुशी मेकओवर ने विशेष तौर पर शिरकत की। वहीं महिलाओं ने विभिन्न गतिविधियों और खेलों में भाग लेते हुए अपनी प्रतिभा और कौशल का अद्भुत प्रदर्शन भी किया। कार्यक्रम में बड़ों के साथ साथ बच्चों ने भी मॉडलिंग में अपनी प्रतिभा निखारी। तीज कार्यक्रम के अंत में विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता रही महिलाओं को विशेष उपहार देकर सम्मानित भी किया गया और उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना भी की गई। इस आयोजन ने जालंधर में तीज के उत्सव को और भी खास बना दिया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनी शर्मा की रिपोर्ट। सत श्री अकाल जी सारियां नूं। मैं तुहानूं दसना चाहुंदी हां कि मैं कशिश लूथरा अज पहली बारी जलंधर विच एक तीज का त्यौहार सैलीब्रेट किया है। आज तीयां दा त्यौहार च रौनक लगाउण वास्ते असीं इंद्रप्रस्थ होटल च आए हां। इस विच काफ़ी गैदरिंग इकट्ठी हुई है। पहली बारी जलंधर विच मेरे वालों आज तीज का सैलीब्रेशन की गई जिदे विच सानूं ओरिफ्लेम, मोदी केयर, टप्परवेयर और खुशी नीलवर ने ही पार्टिसिपेट किया है और स्पॉन्सर किया है। विच काफ़ी तीज दियाँ रौनक लगिया हैं तो काफ़ी लोगों ने अपने ही डांस परफॉर्मेंस दी हैगी है जिन्हों विच अलग अलग तरह के गिफ्ट्स आए हैं। तुसीं देख सकते हो कि आज चीज़ च तीज च पहले भी बहुत सारी रौनक लगदिया हैं तो हर वारी ही इदा ही प्रोग्राम असीं करते रहांगे। महानगर के होटल रिजेंट पार्क में गत दिवस राखी तीज बाजार के 2 दिवसीय एग्जीबिशन के अंतिम दिन बड़ी संख्या में जलंधर वासियों ने शामिल होकर अपने पसंदीदा प्रोडक्ट्स की जमकर खरीदारी की। तो वहीं इस एग्जीबिशन के चलते होटल में रविवार सुबह से ही ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़नी शुरू हो गई जो देर शाम तक जारी रही।
वहीं खरीददारी करने पहुंचे ग्राहकों की खुशी का ठिकाना नहीं था। राखी तीज बाजार की थीम पर आयोजित इस दो दिवसीय एग्जीबिशन में आगामी शादी विवाह और त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए होटल रीजन पार्क में एक ही छत के नीचे लोगों के पसंदीदा प्रोडक्ट्स उपलब्ध कर पाएगी। इस एग्जीबिशन की खास बात ये रही कि इसमें जालंधर वासियों को दिल्ली, चंडीगढ़, लुधियाना, मुंबई और जयपुर जैसे शहरों के प्रसिद्ध डिजाइनर फैशन परिधान, आभूषण, बेकरी प्रोडक्ट्स, हर्बल उत्पाद, सौंदर्य प्रसंधान, होम डेकोर, बागवानी में प्रयोग की जाने वाली एक्सेसरीज, आर्ट और शिल्प वस्त्र, मेकअप, परफ्यूम, जूते और अन्य अनूठे प्रोडक्ट्स की भारी रेंज देखने को मिली। खरीदारी के दीवानों ने इस एग्जीबिशन में खासकर फैशन परिधान और आभूषणों की जमकर खरीदारी की, जिससे प्रदर्शनी में उत्साह का माहौल बना रहा। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। मैं सत्या वसीन जैन, मेरा क्लचेस और ज्वेलरी का स्टॉल है मजीती कैसल के नेम से। आई हैव हैंडवर्क में क्लचेस हैं, पोटलीज हैं, कंप्लीट हैंडवर्क में है सारी ज्वेलरी है मेरे पास, इयररिंग्स में, वेस्टर्न में, इंडियन में। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, हमेशा से आती हूँ साइशा के शो पे, रीजन पार्क में हमेशा मेरा एक स्टॉल होता है, चाहे इस लेन में चाहे नेक्स्ट लेन में, एक स्टॉल जरूर होता है, हमेशा बहुत अच्छा जाता है, नेक्स्ट टाइम भी आऊँगी। थैंक यू सो मच। मेरा नाम नरगिस बत्रा है। बहुत अच्छा लग रहा है, हर स्टूडियो ची आए हैं, यह सूट असी पसंद किया, बहुत वधिया सूट है और रीजनेबल प्राइस, बाजारों तुसी लोगे ना इन्नी रेंज च नहीं मिलेगा जिनी रेंज च इत्थे हैगा, और एक्सलेंट पीस है। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है? बहुत वधिया एग्जीबिशन है और इत्थे आके सारे सूट असी देख के आए हैं, पर इत्थे आके सानू सारे ही सूट पसंद आ रहे हैं और रेट भी बहुत वधिया हैगे इन्हां दे और डीलिंग बहुत अच्छी है। हाँ जी, क्वालिटी वाइज कैसा? क्वालिटी वाइज बहुत वधिया है, डिजाइनर डिजाइन, हाँ मार्केट नालों बहुत वधिया डिजाइनर पीस है और इस रेंज च बाजारों नहीं मिलेगा। हाँ जी सर, मेरा नाम जसपाल सिंह है, मैं जुमेलिया हब इंडिया लुधियाना तो हाँ, जेडे कि थोड़े शहर जलंधर के विच आए हैं और एग्जीबिशन लाई है इतने रीजन पार्क के विच, अज साडा लास्ट डेट है और सानू इन्ने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे थानू दस नहीं सकते। साडे एक नापी रूट्स ऑयल आंदा है जेडा कि 13 ब्लेंड्स ऑयल दे नाल तैयार किया गया, वो इन्ने कु रिपीट ऑर्डर है थानू दस नहीं सकते सर। सो इस करके सर नापी दे विच दो तीन ड्रॉप्स पाने, थोड़ी पूरी बॉडी नू डिटॉक्स करेगा, बीपी नू कंट्रोल करेगा, शुगर नू कंट्रोल करेगा, थायराइड की प्रॉब्लम नजदीक नहीं आन देगा। क्यों? क्योंकि इहदे च आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, जिवें टीटी ऑयल है, लेमन ग्रास ऑयल है, जायफल का तेल है, तीनों का तेल है। जिसका वजन बड़ा हो दोस्तों, हमारा नाभि रूट्स लगा सकते हैं और वजन घटा सकते हैं, 100% आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है ये। थैंक यू। और 100% नेचुरल, इवन किसी नूं सिर दर्द या अद्धा सिर दर्द की प्रॉब्लम है जिवें माइग्रेन कहने, उन्हें भी यह ठीक करता है, 100% नेचुरल है, विदाउट कैमिकल है और विदाउट प्रिजर्वेटिव है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਅਸਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਵਲਾ, ਹਰੜ, ਬਹੇੜਾ, ਜਟਾ ਮਾਨਸੀ, ਸ਼ਿਕਾਕਾਈ, ਬ੍ਰਿੰਗਰਾਜ, ਨੀਮ, ਤੁਲਸੀ, ਚੰਦਨ, ਸਾਰੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ। ਈਵਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮਾਈਗਰੇਨ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਲਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਿਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰਫਿਊਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਨਾਰੀ ਚੇਤਨਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਰੈਂਡਸ ਕਲੋਨੀ ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਰਾ ਹੋਟਲ ਰੈੱਡ ਪੈਟਲ ਮੇ ਤੀਜ ਕਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ बड़े ही जोश और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सोसाइटी की अधिकारी अंजू शर्मा, कुसुम शर्मा, संजू गुप्ता, प्रोफेसर मधु सेठी, प्रोफेसर कुलजीत कौर, अनीता बाटला, रमन शर्मा और अमरजीत कौर ने विशेष योगदान दिया। तो वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की उपाध्यक्ष परमिंदर चन्नी थी, जिन्होंने इस आयोजन की सराहना करते हुए नारी चेतना के प्रयासों को सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बताया। वहीं विशिष्ट अतिथि नायाब तहसीलदार अनुदीप शर्मा ने भाग लेने वाली सभी महिलाओं और बच्चों की प्रस्तुतियों की तारीफ की। इस अवसर पर गिद्धा, सितनिया, समूह नृत्य, लोक नृत्य और मलकी कीमा जैसे कार्यक्रमों ने सबका मन मोह लिया। लगभग 60 महिलाओं और बच्चों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, जिन्हें मुख्य अतिथि और नारी चेतना वेलफेयर सोसाइटी की ओर से पुरस्कार भी दिए गए। वहीं सोसाइटी के चेयरपर्सन कुसुम शर्मा ने अतिथियों का स्वागत करते हुए नारी चेतना के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी और तीज का महत्व और इतिहास बताया। वहीं प्रोफेसर कुलजीत कौर ने तीज के बदलते हुए रूपों पर बात करते हुए उसे नई पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक बताया। सोसाइटी के सचिव संजू गुप्ता ने पर्यावरण, स्वास्थ्य,
शिक्षा और सिलाई प्रशिक्षण के संबंध में सोसाइटी द्वारा किए गए कार्यों का विवरण दिया। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी में प्रोफेसर मधु सेठी, ज्योति शर्मा, आरती कुमार और जसविंदर कौर ने विशेष भूमिका निभाई। जसविंदर कौर और प्रोफेसर कुलजीत कौर ने मंच संचालन किया। कार्यक्रम के अंत में अध्यक्ष अंजू शर्मा ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का धन्यवाद किया और उन्हें शुभकामनाएं भी दी। यह कार्यक्रम सभी के लिए एक यादगार अनुभव साबित हुआ। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। आज मैनू नारी चेतना वेलफेयर सोसाइटी वालों इतने तीज के फंक्शन च इनवाइट किया गया। अपने रोज़ के जो दफ्तरी कामकाज ने अज उन्हों तो फ्री होकर इन्हों के मैं आके बैठी हाँ तो बड़ा ही खूबसूरत माहौल इतने इन्होंने सिरजिया होया है तो बहुत ही चंगा लग रहा है। नारी चेतना वालों मैं सद्दा मिलया सी, प्रेम पत्र सद्दा मिलया सी भी तुसी प्रोग्राम ते आना है। बहुत अच्छा लग रहा इतने आके। जो कुसुम शर्मा जी साडे हैगे उनकी पूरी टीम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करनी सारे इन्होंने पूरे फ्रेंड्स ग्लोरी पूरा अपना जोड़िया हो तो बहुत अच्छा प्रोग्राम दे रहा है। मैंने इतने आकर बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लग रहा है। सब तो पहला यह अच्छा लगे भी जड़िया पंजाबी गर्ल्स कुड़िया ने वो पंजाबी विषय न जुड़िया हुई हजे तक, सो उन्होंने ये सारा इन्हों की टीम का ही है भी इन्हें ये सारे उन्होंने प्रेरणा देंगे। और इन्होंने बहुत सारे सिलाई सेंटर खोले हुए हैं जिते ये काम करते हैं। मैं भी बहुत एन जी ओ जुड़ी हुई हाँ पर मैं इतने आके सिर्फ अजीब जहा लग रहा है, बड़ा अच्छा फील हो रहा है भी किन्ना काम करते हैं, सानू इन्हां दे नाल भी जुड़ना चाहिए। अंदीप शर्मा जी PCIS और परमिंदर मैम, परमिंदर चन्नी जी, जो कि असी अज चौथा तियां दा त्यौहार मनाने जा रहे हैं नारी चेतना वेलफेयर सोसायटी वालों इत्थे आए ने, उन्हां दा असी हार्दिक स्वागत करते हैं। नारी चेतना वेलफेयर सोसायटी बहुत सारे काम कर रही है, इतों तक कि साढ़े 8 सिलाई सेंटर इस टाइम चल रहे ने। एनवायरमेंट नूं लैके असी चल रहे हैं, कल्चर दे कल्चर प्रोग्राम, क्योंकि जरूरी है अजकल दे टाइम दे विच बच्चियां नूं अपने कल्चर नाल जोड़ना। इसे लई नारी चेतना चौथा तियां दा त्यौहार मना रही है। इहदे विच एक बहुत बच्चियां ने लेडीज़ ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। असी बहुत ही जिन्ने सारे आए ने लेडीज सारे उन्हां दा बहुत बहुत थैंक्स करते हैं। और इतों तक कि असी नारी चेतना हमेशा ही अगे दी अगे बढ़ रही है। सानू सिर्फ 2 साल होए ने और सानू कोई भी एड नहीं मिल रही गवर्नमेंट वालों, और सिर्फ ते सिर्फ लेडीज अपने आप ही पैसे कट्ठे करके एक काम कर रही ने। 200 रुपया महीना असी कट्ठे करके एक काम कर रहे हैं और लड़कियां नू असी सिलाई सेंटर खोल के 6 महीने का कोर्स करवाने हैं और लड़कियां नू आत्मनिर्भर बनाया जाता। मेन टीचा साडा लड़कियां नू आने वाले समय दे विच आत्मनिर्भर बनाना। पूज्य आचार्य बाल कृष्ण जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भारत स्वाभिमान न्यास पतंजलि योग समिति की ओर से श्री देवी तालाब मंदिर के समक्ष जड़ी बूटी वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज विशेष रूप से उपस्थित होकर इन जड़ी बूटियों को लोगों में उन्होंने वितरित किया। इस मौके पर अजय मल्होत्रा, ओम प्रकाश डोगरा, धर्मेंद्र कुमार, जोगिंदर लाल दास, महेश, संजीव शर्मा, गुलशन अरोड़ा, राकेश चुग, अमरजीत सिंह बिट्टू, पुनीत खन्ना सहित अन्य सदस्यगण भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। अज इतने आचार्य पतंजलि योग समिति तो जोड़े आचार्य बाल कृष्ण जी ने उन्होंने जन्मदिन असं जड़ी बूटी दिवस के रूप में हमेशा मनाते आ रहे हैं और अच्छ मना रहे हैं। अज के इस शुभ दिहाड़े उत्ते सू आशीर्वाद देने वास्ते आए हैं साढ़े श्री राजेश विज महासचिव, श्री रेजला मंदिर प्रबंधक कमेटी के मुख्य मेहमान ने, और साढ़े विशेष अतिथि श्री सोमदत्त कालिया जी, फाउंडर मैगा पतंजलि स्टोर के जो बाहर खड़े हो गए अज बूटे वंड रहे हैं। और अज जो उन्होंने जन्मदिन है असं जड़ी बूटी दिवस मनाने अज के शुभ दिहाड़े उत्ते मैं बहुत बहुत सारा बधाई दिना और आशा करता कि जोड़े असं पौधे मरिंगा और अर्जुन छाल के वंड रहे हैं ये वो तो लाभ लैन गए इन्हों अज के इस मौके पर बहुत बहुत आचार्य बाल कृष्ण जी ने जन्म बहुत बहुत बधाई और शुभ कार्यकारी आचार्य बाल कृष्ण जी ने आर्यू वैदिक रेवोल्यूशन लिया था उन्होंने बुलदौत बदौलत अज कई हजार बंदे मरीज ठीक हो गए जेने अपना डॉक्टर ने कहते ठीक नहीं हो गए और अभी सारे रल मिल के उन्होंने दुआ करते माता रानी उन्होंने उम्र 1000 साल करे और इतनी सेवा करते रहे जय माता जी। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया,
जिसमें सुखदीप भाई, जनकराज भाई, सुरेंद्र भाई ने कहा कि वर्तमान समय में चारों ओर अत्याचार, भ्रष्टाचार, असत्य, अहिंसा और अश्लीलता का बोलबाला है। अधर्म अपनी चरम सीमा पर है और पाप का घड़ा भर चुका है। हर मनुष्य दुखी और अशांत है। जब भी अधर्म बढ़ता है तो परमात्मा को इस धरती पर आना ही पड़ता है, इसलिए परमात्मा आ चुके हैं। इस अवसर पर सुनीता बहन, रूप कुमार, अजीत भाई, जगजीत भाई, सागर भाई, राम कुमार, अनीता माता सहित अन्य सदस्यगण भी मौजूद रही। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ संदीप शर्मा की रिपोर्ट। शिकालिका धाम ज्योतिष विद्यालय में ब्रह्म ज्ञान और दुख निवारण चंडी महायज्ञ करवाया गया। इस मौके पर मां महाकाली का दिव्य झूला लगाया गया। इस दौरान दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे और देवी मां की पूजा कर हवन यज्ञ में भाग लिया। इस अवसर पर धाम के संस्थापक प्रसिद्ध ज्योतिषी इंद्रदेव बबलू पंडित ने बताया कि जो श्रद्धालु यहाँ सच्ची श्रद्धा के साथ आता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस दौरान इंद्रदेव बबलू पंडित ने आए हुए मेहमानों का स्वागत किया। इस मौके पर धाम के मुख्य सेवादार संजीव शर्मा कुकन, रोहित शर्मा, सुमित बिनी, पंडित संजय, पंडित पंकज, पंडित हरिओम, पंडित सुशील, ज्योतिषी गौरव, देसरा शर्मा, गग्गू के अलावा बड़ी संख्या में माँ भक्तजन उपस्थित रही। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। किशनपुरा में काली माता जी के मंदिर में आए हैं और यहाँ पे हर शनिवार को हवन होता है जिसमें बहुत ही निःशुल्क हवन होता है, जिसमें बहुत जनता सेवा अपने भाव से यहाँ पे हवन करने के लिए इकट्ठे होते हैं। और आज हमें यहाँ पे काली माता की कृपा से बड़ी हमारे पे कृपा हुई है, हमारे आने का सौभाग्य मिला और संजीत जी के में और पंडित जी की, आचार्य जी की देखरेख में आज हमें जो आदर सम्मान मिला है वो बहुत ही काबिल था। और यहाँ पे किसी को भी कोई भी अगर अपने जीवन में कोई प्रॉब्लम है कुछ है तो यहाँ पे आए, क्योंकि ये काली माता का जो स्थान है यहाँ पे साक्षात माता निवास करती है। जय माता। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायक करण एंड पार्टी जलंधर वालों ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद भजन गायक ने मां की सुंदर भिंटू का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर श्री देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी के कोषाध्यक्ष पविंदर बहर दार्ग भी, साधुराम कालिया सिवादर मास्टर हरिचंद, शिव सहगल, कपिल सहगल ने गायक करण एंड पार्टी जालंधर वालों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ संदीप शर्मा की रिपोर्ट।
सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तलाब मंदिर के पावन प्रांगण में स्थित ट्रस्ट महाकाली मंदिर में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायक पप्पी चंचल एंड पार्टी चरंतर वालों ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की। इस मौके पर मंदिर कमेटी के सदस्य योगेश्वर शर्मा, अशोक सोपते, नरेंद्र सहजपाल, चंदन मोहन लिंगरा ने भजन गायक पम्मी चंचल एंड पार्टी चरंतर वालों को माँ की चुनरी देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर अशोक शीतल, संजीव साहनी, सोहन लाल, किरण कुमार, राजेंद्र मदान, यशपाल, गोवर्धन गोंधी, नरेंद्र शर्मा सहित असंख्य भक्तजन उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ संदीप शर्मा की रिपोर्ट।
अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जालंधर अमृतसर हाईवे पर दो कारों में हुई भीषण टक्कर, चार युवक हुए गंभीर घायल। अमृतसर की संधू कॉलोनी निवासियों ने नगर निगम के खिलाफ किया रोष प्रदर्शन, चार महीनों से सीवरेज की समस्या से है परेशान। जालंधर के प्राचीन काली माता मंदिर मोता सिंह मार्केट कमेटी और पंजाब ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से राशन सामग्री के ट्रक किए रवाना। दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज व ज्वाइंट कमिश्नर राजेश खोखर ने हरी झंडी देकर किया रवाना। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।